वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बैंकिंग स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि फ्रेंड्स पेटीएम ने कल ही लॉन्च किया है पेटीएम मिनी ऐप स्टोर, जिसमें आपको बहुत सारा एप्लीकेशन मिलेगा। इससे यह बेनिफिट होगा कि आपको अलग से कोई एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। तो इसमें काफ़ी सारा एप्लीकेशन, तो उसके बारे में भी इस वीडियो में सारा डिटेल्स बताऊँगा। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पेटीएम ने हाल ही में लॉन्च किया है, मैंने बताया, पेटीएम मिनी ऐप स्टोर। उसमें आप बहुत सारा एप्लीकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो एक चीज़ और इसके बारे में मैं बता दूँ आपको कि पेटीएम मिनी ऐप स्टोर में आप अपना भी एप्लीकेशन, अगर आपके पास कोई एप्लीकेशन है और उसे आप ग्रो करना चाहते हैं तो आप अपना भी एप्लीकेशन इसमें अवेलेबल करवा सकते हैं। वो करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपल सा रजिस्टर नाउ पर आपको क्लिक करना होगा। तो क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जैसे मैं क्लिक कर लेता हूं, क्लिक करने के बाद यहां पर आप अपना डिटेल्स, जैसे आप डिस्क्रिप्शन ऐप के बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं, अपना नेम और ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर, और इस आई एम नॉट रोबोट पर क्लिक करके सबमिट करने पर आपको फिर जो है पेटीएम की तरफ से रिप्लाई मिलेगा कि आप इसके लिए अप्रूव हैं कि नहीं। और ये चलेगा 8 अक्टूबर से पहले पहले आपको ये रजिस्टर करना होगा, तब आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये भी आपको बता दिया है कि मेरे पास जो टोटल मंथली जो मर्चेंट ट्रांजेक्शन होता है वो 600 प्लस मिलियन है, और मंथली एक्टिव जो यूजर है, जो पेटीएम में हमेशा एक्टिव रहते हैं, वो 150 प्लस मिलियन है, और टोटल पेटीएम यूजर अभी तक 450 प्लस मिलियन यूजर है पेटीएम का टोटल। तो पेटीएम ने ये भी अनाउंस किया है। और साथ ही साथ आपको बता दूं कि ये बहुत सारा देख सकते हैं आप एप्लीकेशन इसमें ऑलरेडी रहेगा, तो आपको अलग से इसमें प्ले स्टोर से अब ये डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा। और मैं फ्रेंड्स आपको ये भी एक चीज़ और भी बता दूं कि इसमें जैसे कोई अगर प्लेटफॉर्म से जैसे कोई एप्लीकेशन में ऑफ़र चलते रहेगा या फिर डिस्काउंट चलते रहेगा, तो आप एप्लीकेशन में जैसे पेटीएम खोलेंगे, उसके बाद ओपन करने के बाद वहाँ पर सारा डिस्काउंट सारा ऑफर्स आपको दिख जाएगा। तो फ्रेंड्स आप एप्लीकेशन अगर चाहें तो, अगर आपके पास कोई वैसा एप्लीकेशन है तो अगर पेटीएम में आप ग्रो करवाना चाहते हैं तो आप रजिस्टर कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि अगर आपके एप्लीकेशन में कोई भी पेमेंट करता है तो आपका वॉलेट से पेमेंट करे, पेटीएम वॉलेट से या फिर यूपीआई से या फिर पेटीएम पेमेंट बैंक से या फिर डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड और यूपीआई से, तो किसी तरह का यहाँ पर चार्ज नहीं लगेगा। सिर्फ आपको क्रेडिट कार्ड पर चार्ज यहाँ पर देखने को मिलेगा, जैसे 2% प्लस जीएसटी, और डेबिट कार्ड पर आपको चार्ज देखने को मिलेगा 2% प्लस जीएसटी। और नेट बैंकिंग के थ्रू अगर आप पेमेंट करते हैं उस एप्लीकेशन में, जिस एप्लीकेशन से आप कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, तो उसमें आपको भी 2% प्लस जीएसटी का चार्ज देना होगा। तो फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने सारा चीज़ कवर कर दिया जो पेटीएम की तरफ से जो न्यू अपडेट आया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और इसे सभी दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि उन लोग को भी इस बारे में पता चल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू।